दुर्व्यवहार करता है तो क्या हम उस पुलिस वाले पर हाथ उठा सकते हैं या फिर नहीं उठा सकते? देखिए, आपने मोस्टली देखा होगा कि मोस्टली पुलिस वाले अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, ठीक है, और वो दूसरों को दबाने के लिए अपनी पावर का यूज करते हैं, ठीक। ज्यादातर आपने देखा होगा कि वो बदतमीजी करते हैं, बदतमीज तरीके से बोलना, दूसरों पर हाथ उठाना, ये सब इसी वजह से होता है बिकॉज हमको कानून की नॉलेज नहीं होती। छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा आपके साथ जो इसी केस से रिलेट करता है। एक दिन क्या हुआ था, रात के टाइम मैं कोर्ट से आ रहा था अपने दोस्त के साथ, तो मैं तो आगे बाइक चला रहा था, ठीक है, मैंने हेलमेट पहन रखा था बट पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। तो जब रेड लाइट पे बाइक रुकी तो एक पुलिस वाला हमारे पास आ गया और वो ड्रंक था, क्योंकि उसकी उसके बोलने से मैं पहचान पा रहा था कि हाँ वो ड्रंक है। उसने हेलमेट नहीं लगा रखा था और ऊपर से शायद हमारे पास पेपर्स वगैरह भी नहीं थे, ठीक। लेकिन जब वो ड्रंक था तो उसने बातचीत करने पेपर दिखाओ और हेलमेट नहीं पहन रखा, चालान कटेगा, तो उसकी भाषा से मैंने पहचान लिया कि हाँ वो ड्रंक है। देन फिर मैंने साइड में ले जाकर उसको समझाया कि सर ऐसे ऐसे मैं एडवोकेट हूँ और ये कार्रवाई आप पर भी हो सकती है बिकॉज आप ड्रंक हो और आप हमें पता चल रही है। तो उसने बोला ठीक है वकील साहब, आप जाइए। इसी तरीके से देखिए, अगर आपको भी प्रॉपर नॉलेज, जरूरी नहीं कि आप एडवोकेट हैं तभी बच सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है कि क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, ठीक। अब ये देख लीजिए, अगर वो यहाँ पे मेरे खिलाफ कुछ भी करता, क्योंकि मेरी गलती थी, हेलमेट नहीं था, पेपर्स नहीं थे, अगर वो करता तो मैं भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता था। जैसे कि आपने ट्रैफिक पुलिस वाली हमारी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी हो तो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जाके देखिएगा। उसमें गलती हमारी भी थी, गलती उसकी भी थी, ठीक। जो भी गलती हो, देखिए कभी भी कुछ कार्रवाई होती है तो सबसे पहले आप इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग कर लें या फोटोज खींच लें, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे चलकर, ठीक। इसी तरीके से अब मैं इस पे बात कर लेता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कि आप उस पे हाथ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, ठीक है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर ड्रंक है और वो यूनिफॉर्म में है और आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो बिल्कुल आप सेल्फ डिफेंस में हाथ उठा सकते हैं। देखिए, आईपीसी की धारा 95 से लेकर 106 आपको अलाउ करती है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में हाथ उठा सकते हैं, लेकिन इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी बहुत बदतमीजी कर रहा है आप गोली मार दें, ऐसा नहीं, जितनी जरूरत है सिर्फ आप उतना ही यूज कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, ओके बाय बाय टाटा, टेक केयर।